नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चलिए नजर डालते हैं खबर। कोरोना वायरस महामारी का विकराल रूप कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। जहां कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद भी खतरा टला नहीं है, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर से बेहद डरावना वीडियो सामने आया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है, जहां बढ़ते संक्रमण के बीच मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल भीमराव अंबेडकर के हालात बेहद बुरे हैं। जहां सोशल मीडिया पर अस्पताल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो बेहद डरावना है। दरअसल वीडियो में मरीजों के शव रखे दिखाई दे रहे हैं। शवों की तादाद इतनी है कि वहां पर और मरीजों के शव रखने की जगह तक नहीं है। बता दें कि वायरल वीडियो में अस्पताल में हर तरफ शव दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी शवों को रखने की जगह तक नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि अस्पताल का फ्रीजर भी पूरी तरह शवों से भरा नजर आ रहा है। फ्रीजर में जगह नहीं होने की वजह से शव जमीन पर भी रखे दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि मरीजों के परिवार को शव देने में हो रही देरी की वजह से अस्पताल में जगह तक नहीं बची है, जिसके चलते पूरा शव गृह बुरी तरह से भरा हुआ है। वहीं अस्पताल के अधिकारियों का इस पर कहना है कि कोविड 19 के कारण जिन मरीजों की मौत हो रही है, दरअसल उन्हें शवगृह में जमा करवाया जा रहा है और अंतिम संस्कार के पहले इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि आईसीयू के बेड भी पिछले हफ्ते भर चुके हैं और कोई बेड खाली नहीं है। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी तादाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या यहां पर जमा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में फ्रीजर के भीतर जगह तक नहीं बची है। आमतौर पर फ्रीजर में 10 से 20 शव रखे जा सकते हैं, लेकिन वहां एक साथ 50 से 60 लोगों की मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मामलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जहां पिछले 24 घंटों में 13,576 नए मामले सामने आए हैं, राज्य में फिलहाल 4,56,873 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। वहीं अगर पिछले 24 घंटे में मौतों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 107 मरीजों की जान चली गई है। अब तक 132 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक सोमवार को संक्रमण के 13,576 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रायपुर जिले से ही 3442 मामले सामने आए हैं। क्या है पूरा डरावना वीडियो, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।